9866 का पहले क्लास रिकॉर्ड चला है। धीरे धीर मनुआ धीरे धीर ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धैर्य देती है, कड़ुए बच्चों को धैर्य नहीं दे रहे हैं। कैसे बच्चों को धैर्य दे रहे हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, जिस्मानी बच्चों को भी धैर्य नहीं दे रहे हैं, जो देह अभिमान में बने रहते हैं। जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देता है ना, वो बीमार होता है तो उनको आफत देते हैं। अब तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदल कर सुख के दिन आ जाएंगे। वो हद का बाप हद का धैर्य देते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप, बच्चों को धैर्य दे रहे हैं। बच्चे अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी ये थोड़े दिन बाकी है। अब तुमको बाप की याद में रहे, औरों को भी धैर्य धारण कराना है, औरों को भी सिखाओ, क्योंकि तुम भी शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा की शक्ति से ना अभी फिर से प्रकट हुई है। ये गोप भी आत्माएं, ये गोप भी शिव से शक्ति ले रहे हैं, और तुम शक्तियां भी शक्ति ले रही हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा या आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। जितना चाहे याद में रह करके शक्ति लेते जाओ, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और याद से ही तुम शक्तिवान बन जाएंगे। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को नया बनाई दिया। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। तुम जानते हो योग बल से पुरानी दुनिया को पलटाते हैं, अंगुली से भी मनुष्य ऐसा इशारा करते हैं कि अल्लाह को याद करो, ऊपर को इशारा करते हैं ना। इसका मतलब है कि कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ है, ऊंची स्टेज में रहने वाला है, उसको याद करो। तुम बच्चे अब समझते हो बाप की याद से ये पत्थर का पहाड़ अर्थात पुरानी दुनिया बदल जाएगी। ये पुरानी दुनिया पत्थर का पहाड़ है, पत्थर बुद्धियों का पहाड़ है, को पलटना है, क्योंकि अब हम परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो और मेहनत करो, जो भी समय मिले उसमें बैठ करके सीखो, है बहुत सहज। बच्चों को तो हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है। कन्याओं के तो कर्म अच्छे हैं क्या? सिर्फ कन्याओं के कर्म अच्छे हैं, भाइयों के कर्म खराब है क्या? माताओं के कर्म अच्छे नहीं क्या है? ये क्या बोल दिया? क्योंकि कन्याओं को संगम युग में बाप की तरफ से विशेष प्रेफरेंस मिलता है, भाइयों को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है, माताओं को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता है, बांधेलियों को भी नहीं मिलता है।
हाँ बानेली याद बहुत करती है, लेकिन बाहरी रूप से देखा जाए तो बानेली माताओं को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता। कन्याओं के लिए सब प्रकार की सुख सुविधाएं में मौजूद मुहैया रहती है। क्यों ये पार्शलिटी क्यों है? क्योंकि एक तो कन्याओं में प्योरिटी की पावर होती है, दूसरे वो प्योरिटी की पावर का भी हिसाब किताब पूर्वजन से कनेक्टेड है। जरूर कन्याओं ने कोई पूर्वजन में ऐसे कर्म किए हैं जो बाप का सान्निध्य मिल जाता है। जो शादी की हुई माताएं हैं वो समझती इस समय अगर हम कन्या होती तो इन सात जंजीरों से छूटी हुई फ्री वर्ड होती, स्वतंत्र क्रिया होती, क्योंकि कन्याएं फ्री वर्ड है, स्वतंत्र क्रियाएं हैं, जहां चाहे उड़ करके जा सकती हैं, उनको कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है। क्यों आज के घर परिवार में कन्याओं को बंधन नहीं होता क्या? माता पिता का परिवार वालों का बंधन नहीं होता है क्या? है बहुत बढ़िया होती है, बंधन तो होता है, लेकिन कानूनी तौर पर उनको सुरक्षा मिली हुई है। अगर बालिक कन्या है तो कि कोई भी बालिक कन्या जहां चाहे वहां जाकर रह सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो बंधन है। मोह तो माताओं में होता है, फिर कन्या कहाँ है? मोह है इसका मतलब माता है, कन्या भी कहीं लगाव लग चुका है। जो लगाव लग चुका है तो कन्या नहीं है। तो बोला कन्या स्वतंत्र है, परंतु अगर खराब संग में नुकसान हो जाता है, कहीं लगाव लग जाता है तो बंधन में आ जाती है। तो देखो स्त्री पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरें हैं, इसमें रिवाज आदि का कितना बंधन रहता है। माताओं को रिवाज का बहुत बंधन रहता है, कन्याओं को इतना कोई बंधन नहीं है। रेशम रिवाज का इसका शूटिंग, चाहे शूटिंग हो चाहे ब्रॉड ड्रामा हो, दोनों में बात तो एक ही होती है। अब बॉम्बे भी कन्याएं तैयार हो रही है, अभी तैयार हुई नहीं है, हो रही है, लिखती है हम अहमदाबाद में जाएंगे। क्यों? बम्बई तो बड़ा शहर है, बड़े शहर की कन्याएं, बम्बई की कन्याएं, हर हर बम बम की नगरी की कन्याएं अहमदाबाद में क्यों जाएंगी? कहती है हमको मदद की कोई दरकार नहीं। कहाँ की कन्याएं? बॉम्बे की कन्याएं कहती है हमको मदद की कोई दरकार नहीं, आप ही हम अपने गुजराती को गुजराती ही संभाल लेंगे। अपने प्रांत के लिए साहब देखो कितनी मेहनत करते हैं, और तुम तो अपना स्वराज्य लेते हो, तुम्हारा स्वराज्य तो सारी पृथ्वी पर है, कोई एक राज्य की बात नहीं है, गुजराती यूपी आदि सबको स्वराज्य लेना है। मैं यूपी का हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तेलुगु देशम हूँ, ये सब नहीं रहना चाहिए। हिंदी की हूँ ये तो फखर की बात है। क्यों? क्योंकि भगवान बाप हमारा बाप बना है। कौन सी भाषा में बोलते हैं? हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो जो बाप की भाषा, जो माँ बाप की भाषा, वो बच्चों की भाषा हो जाती है, उसको मातृभाषा कहा जाता है, माता पिता की भाषा।
तो ये तो फकुर की बात है। बाकी और दूसरी दूसरी भाषाओं का फकुर रहे वो ठीक बात नहीं। ईर्ष्या कोई भी नहीं रहनी चाहिए। क्या दूसरी दूसरी भाषा वालों को बाप का पढ़ने का दूसरे पर है का बोला, कोई भी भाषा से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्यों ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अंग्रेजी तो सारी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा है। कोई की अंग्रेजी भाषा है तो ये भी उसको लिफ्ट मिली हुई है, विश्व की भाषा है। हमारा बाप भी विश्व कल्याणकारी बन करके आया हुआ है, हम बच्चे भी विश्व कल्याणकारी है। बाकी किसी एक देश में बनी हुई भाषा के आधार पर ईर्ष्या देश रखना ये अच्छी बात नहीं। कोई का अवगुण देख बच्चों का माथा खराब नहीं होना चाहिए कि कोई अंग्रेजी भाषा जानता है लेकिन अवगुण वाला है, हिंदी भाषा जानता है लेकिन कोई अवगुण है तो माथा खराब हो जाए। नहीं, अपन को देखना चाहिए हमने कितनी आत्माओं को, बहनों को, भाइयों को सुख का रास्ता बताया, चाहे वो गुजराती हो, चाहे हिंदी भाषा भाषी हो, चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, है तो सब आत्माएं। आत्मा कोई एक देश से बंधी हुई नहीं होती है। आत्मा तो पता नहीं कहाँ की कहाँ जाकर जन्म ले लेती है। शरीर का हिसाब किताब होता है देश से, शरीर का हिसाब किताब तो एक जन्म का है। आत्मा कोई गुजराती या फलाना या तेलुगु या बंगाली नहीं होती। आत्मा परमात्मा बाप की संतान है, परमपिता की संतान है। तो हर बात में देखना चाहिए कि हमने दूसरों को सुख का रास्ता कितना बताया। अगर रास्ता नहीं बताया है तो कोई काम का नहीं। चाहे विश्व में फैली हुई अंग्रेजी भाषा का ही जानने वाला हो, चाहे बाप की बोली जाने वाली हिंदी भाषा का ही भाषी क्यों न हो, लेकिन अगर दूसरों को सुख का रास्ता नहीं बताता है तो काम की बात नहीं। वो बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकता। कौन? कोई कितनी भी भाषाएं जानता हो, कितना भी होशियार हो, हिंदी जानता हो, अंग्रेजी जानता हो, दूसरी भाषाएं भी जानता हो, बड़ा विद्वान हो, लेकिन अगर दूसरों को सुख का रास्ता नहीं बताता है तो बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकता। बाप दादा की दिल पर न चढ़ा तो वो तख्त पर नहीं बैठे। माना जन्म जन्मांतर जो राजाएं हुए हैं उन राजाओं की ये खासियत रही होगी संगम युग में कि उन्होंने दूसरों को सुख का रास्ता जरूर बताया होगा। बाबा ने बताया है, लक्ष्मण कुरुक्षेत्र वाला बच्चा कितना अच्छा है, बहुत सर्विस का शौक है, जरा भी देहवान नहीं है। कोई कोई को तो बड़ा देह अहंकार रहता है, समझते हैं हमने अपने पर कृपा नहीं की, बाप के ऊपर कृपा की। ईश्वरीय सेवा तो करते हैं लेकिन अपना अहंकार आ जाता है, अहंकार में आकर के समझते हैं हमने बाबा की बहुत सर्विस की लेकिन बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बाप कहते हैं तुम कभी भी किसी के अवगुण मत देखो, एक दो से हमेशा गुण ही उठाना है, देखना है ये कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई का भाव स्वभाव नहीं देखना है, कोई के अवगुण नहीं देखना है,
क्या देखना है, ये सेवा कितनी करते हैं, इसकी डिसर्विस का गाय नहीं करना चाहिए क्या? कोई सेवा के बगैर अगर डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दे और हम दूसरों को सुनाना शुरू कर दे इसने ऐसी डिस्टर्बेंस की, ये भी ठीक बात नहीं है। फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा करते हैं। आजकल ऐसे भी है जो एक दूसरे की डिस्टर्बेंस का गायन करते रहते हैं, खुद सर्विस करें या न करें लेकिन दूसरों की डिस सर्विस को जरूर बतावेंगे। अरे तुम अपनी सर्विस करो, दूसरों की सेवा करो, ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम है ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना, सेवा करना और दूसरों को सेवा योग्य बनाना। बाप बेटा है, बाप के पास सबके समाचार आ जाते हैं, कौन सर्विस करता है, कौन डिस सर्विस करता है, किसमें कौन सा अवगुण है, ये बाप को देखना है। हमारा काम है हमारी सर्विस का स्टाफ कितना है और दूसरे कितनी सर्विस करते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको हम फॉलो करें। सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करता है, दुनिया बाप को याद करती है और बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं, तो कितने श्रेष्ठ बच्चे हुए, जरूर उच्च पद पाएंगे। हर एक अवस्था को बाप जानते हैं, उनकी सर्विस को देख करके बाप महिमा भी करते हैं। देखो अचल बच्ची पटना में गई है, कितनी अच्छी सर्विस कर रही है। कौन सी बच्ची बताई? अचल बच्ची कहाँ गई है? पटना में, जहाँ किसी की एक दूसरे से पटती ही नहीं, सब एक दूसरे के संस्कारों के विरोधी, बाहर जाकर के बच्ची सर्विस कर रही है, सेंटर को जाकर के जगाया है। बाबा देखो महिमा करते हैं, तो किसी के अवगुण न देखना और किसी की सर्विस को देखना, यही बहुत बड़ा गुण है। बाबा महिमा करते हैं, बच्चों को सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, इस रूहानी सेवा से ही अपना कल्याण होगा, दूसरी आत्माओं का तो कल्याण होता ही है लेकिन पहले अपना कल्याण होता है। वो धंधा आदि वो तो जन्म जन्मांतर करते आए, ये धंधा तो कोई बिरला व्यापारी है जो करेगा। बाबा तो बच्चों को बहुत तरीका समझाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे सर्विस करनी चाहिए, कब दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना ये डिस सर्विस है, ऐसे बहुत करते हैं। बाबा को लिखते हैं जैसे कि बाबा जानते ही नहीं है, दूसरों की निंदा बाबा के पास लिख करके भेज देते हैं जैसे बाबा को पता ही नहीं है। अरे ये तो तुम्हारे अंदर माया आ गई, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ेगी, दूसरों के अवगुणों को नाक से सूंघते रहते हैं। बाप को याद नहीं किया तो माया जरूर पकड़ेगी, ऐसे पकड़ेगी, कान से उतना नहीं पकड़ती है, नाक से पकड़ती है,
नाक क्यों बताया? जैसे कुत्ता होता है ना, उसमें सूंघने का गुण बहुत ज्यादा होता है, तो दूसरों की सूंघ आसांगी जो ज्यादा करते हैं उनको माया नाक से पकड़ती है। बाप भी कहते हैं मुझे साधारण तन में आए हुए को देख करके बच्चे समझ नहीं सकते, ऐसे मूर्ख बच्चे हैं, समझते फलाना ये करता है तो बाबा को बताते हैं, बाबा रोकते नहीं है क्या? बताने वालों को रोकते नहीं है कि तुम मत बताओ? द्वारा बता दो, क्या पता बताने वाला किस देह से बता रहा है? दोनों बातें हो सकती हैं, कल्याण के भाव से बता रहा हूं, समझाते नहीं है, एक दूसरे को समझाना चाहिए ना, सीधे सीधे बाबा से शिकायत करने की बजाय पहले क्या करना चाहिए है? एक दूसरे को समझाना, आपस में एक दूसरे को प्यार से समझाना चाहिए। बाबा तो पहले से ही सबको समझते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा को भी राय देते रहते हैं, बाबा ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये नहीं समझते हैं कि बाबा थोड़ा भी ऐसा करेंगे तो ट्रेटर बन पड़ेंगे, बाबा को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, अपनी अकल बाबा के पास लिख करके भेजते हैं। 9-8-6 की वाणी का दूसरा पेज पाका है ना, चूहे लड़ी हल्ली गरी, चूहे को हल्ली की गांठ मिल गई तो पंसारी बन करके बैठ गया, कहता है मैं भी पंसारी हूं, थोड़ी सी सर्विस करते हैं तो बहुत देह अहंकार चढ़ जाता है, उनका माथा ही फिर जाता है, ये नहीं समझते हम ये डिस सर्विस करते हैं। भूलें तो बहुत से बच्चों से होती रहती है, कब अवस्था ऊंची चढ़ती है कब नीचे चली जाती है ये चलता ही आता है, तो हरेक को अपनी अवस्था देखनी चाहिए। ईमानदार जो बच्चे हैं वो झट अपनी अवस्था को बताते हैं, कोई तो अपनी भूलों को छुपाए लेते हैं, बाप को बताते ही नहीं, इसमें तो बड़ा निरहंकारी पना चाहिए, इसमें बाप को पोता में लेने में बहुत निरहंकारी पना चाहिए, बच्चों को सर्विस बढ़ाने में लग जाना चाहिए, हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे, मैं किसकी निंदा करूंगा तो और भी मुझे देख करके दूसरों की निंदा करने लग पड़ेंगे, बहुत से बच्चों के इस बात का ख्याल आता ही नहीं है, बाप समझाते हैं तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, दूसरों की डिसर्विस का बखान मत करो, नहीं तो बहुत पछतावेंगे, दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। बाप खुद कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय है, ये आसुरी संप्रदाय कौन कह सकता है, जरूर भगवान ही कह सकते हैं, बच्चों को दूसरों को आसुरी संप्रदाय कहने का हक नहीं है, बाप कहते ये है आसुरी संप्रदाय, वो है दैवी संप्रदाय, और कोई ऐसे नहीं कह सकता, बाप कहते हैं ये आसुरी विकारी संप्रदाय है, तुम अब सूत संप्रदाय से ट्रांसफर होकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हो, ब्रह्मा मुख से जो बातें निकलती हैं उन बातों को तुम फॉलो करने वाले बन गए हो, जिनमें 5 विकार हैं, वो आसुरी संप्रदाय, 6 विकार
मोह। छठा विकार है आलस्य, सुस्ती, नींद, ये विकार भी जिनमें है वो भी आसुरी संप्रदाय है। तुम बच्चे दैवी संप्रदाय हो, तुम देवता बनने के लिए पांच विकारों पर जीत पहन रहे हो। अब कोई देवताएं तो यहां है नहीं, देवताएं तो सतयुग में होंगे। अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। भगवान व्यास कहते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो इन बातों को समझ नहीं सकते कि भगवान कौन है। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, शिव का मंदिर भी है, मंदिर बना हुआ है, फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते? मंदिर बना घर, भगवान का घर बनाया हुआ है तो भगवान अपने घर में होगा ना, सर्वव्यापी कैसे हो गया? शिव परमात्मा नम है कि भी कहते हैं, नमन भी करते हैं, तो शिव को नमन करते हैं ना, बुलाते भी है, हे पति तो पावन आओ, तो बुलाया कोई सर्वव्यापी को जाता है क्या? तो सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। तुम बच्चों को अब चांस मिलता है समझाने के लिए, क्या अब क्या चांस मिलता है, क्या समझाने के लिए चांस मिलता है कि बाप एक व्यापी होकर के आया हुआ है, सर्वव्यापी बाप नहीं है। प्रदर्शनी में भी समझाते रहो कि गीता का भगवान कौन है। तुमको चांस मिला हुआ है, वो झूठे ब्राह्मण तो गीता का भगवान कृष्ण की सोल दादा लेखराज को ही बताई देते। गीता का साकार भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा को ही समझते हैं, अब दूसरों को भी बताते कि गीता का साकार भगवान दुनिया में कोई हो नहीं सकता, एक ही था और एक ही रहेगा। बाप कहते हैं ये सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना, झूठ बताना, ये इनका धंधा है। तुम सच बताते हो तो प्रदर्शनी में समझाते रहो कि गीता का भगवान कौन है। कौन सी प्रदर्शनी में? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी में। उन्होंने तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनाई दी, उसमें गीता का भगवान दिखाया हुआ है कि दुनिया वाले कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण, और दूसरी तरफ चित्र दिखाया हुआ है निराकार शिव का। तो निराकार शिव जो है ज्योति बिंदु, वो गीता का गीत ज्ञान का गीत कैसे गावेगा? ज्योति बिंदु ज्ञान का गीत गावेगा क्या? नहीं। अरे गीता ज्ञान अमृत तो तब कहा जाता है जब मनन चिंतन मंथन करके नई बातें निकाली जाए, मक्खन निकाला जाए। वो मनन चिंतन मंथन का मक्खन कृष्ण नहीं निकाल सकता, क्योंकि कृष्ण को तो मुरलियों में बोला है कृष्ण बच्चा है, समझदार नहीं है, बच्चा बुद्धि है। कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाला भी कोई होगा, तो दादा लेखराज अगर कृष्ण बच्चा है तो उसको यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला भी कोई होगा। जिसने ये बताया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि तुम कृष्ण के रूप में आने वाली दुनिया में जन्म लेने वाले हो, इस दुनिया में तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, तो वो हुआ जन्मदाता बाप। यज्ञ के आदि का वो व्यक्तित्व जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ क्लियर करके बताया, वही भागीदार बाप। यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने के बाद जब ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है तो यज्ञ में आकर के दोबारा ऐड हो जाता है, वही बाप बीज रूप आत्मा। वो बीज को बीज रूप स्टेज धारण करने में कोई मेहनत नहीं लगती, जो है बीज रूप
बीज बोने वाला है, सारी सृष्टि को जन्म देने वाला बीज है। बीज माना पिता, उसको अपने स्वरूप में टिकने में कोई मेहनत नहीं है, और आत्मा को मेहनत हो सकती है। जो जड़ों में बैठी हुई आत्माएं हैं, वो जड़ स्वरूप है, विस्तार वाली है। टहनियों और डालियों में बैठी हुई आत्माएं, वो और ही विस्तार वाली है। जो विस्तार में जिनका जाने का स्वभाव होता है, संसार होता है, वो खुद भी विस्तार में जाते हैं, दूसरों को भी विस्तार में ले जाते हैं। खुद भी सार में नहीं टिक पाते और दूसरों को भी सार में नहीं टिकने देते। सार है निराकार, जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना चाहिए, तुम्हारे लिए सहज है, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं। कौन से चित्रों की प्रदर्शनी? चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी में तुम्हें समझाना चाहिए। देखो निराकार, निराकारी स्टेज में टिकने वाला गीता का भगवान अभी इस सृष्टि पर कार्य कर रहा है। जो भी धर्म पिताए हुए हैं, वो सब निराकारी स्टेज वाले थे। उन बापों का भी बाप, सब धर्म पिताओं का भी बाप, वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा। उस निराकारी स्टेज वाले बाप को प्रत्यक्ष करना निराकारी स्टेज वाले बच्चों का ही काम है। ऐसे बच्चे जिन्होंने श्रीमत को फॉलो किया है, श्रीमत बाप की श्रीमत है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। अगर कोई देहधारी को याद किया तो पतित बन पड़ेंगे। एक निराकार बाप को याद करना है। क्या ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है? ब्रह्मा तो है ही बड़ी माँ, माँ तो होती ही धरणी है, धरणी तो साकार ही होती है। साकार धरणी में निराकार बीज बोया जाता है, तो धरणी को अगर याद करेंगे तो बुद्धि मिट्टी का रूप पकड़ेगी या निराकारी स्टेज पकड़ेगी? मिट्टी बनती रहेगी। बाप कहते हैं अभी ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, क्योंकि ये भूल बेसिक नॉलेज में भी देखी गई, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा, और एडवांस नॉलेज में भी ये भूल देखी जा रही है, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा। माँ को बुलाना थोड़ा याद करना होता है, बुलाएंगे तो भी बुद्धि में चेहरा याद आएगा। ब्रह्मा कुमारी अभी भी आह्वान कर रही है, आओ। किसको कहती है? ब्रह्मा बाबा को आह्वान कर रही है, आओ। अरे पतित पावन आओ या ब्रह्मा बाबा आओ, कौन सदगति करेगा? है हाँ, तो सदगति कौन करेगा? जो सदगति करने वाला है वो तो एक ही बाप है ना, बाकी जितने भी गुरु हैं वो सब देहधारी है, देह में आसक्ति रखने वाले हैं। खुद भी देह में आसक्ति रखते हैं, खुद भी नीचे जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। देखा जा रहा है जिन्होंने ब्रह्मा के चोले को याद किया, उन्हें याद करने वालों का वही असर होता जा रहा है जो ब्रह्मा का हुआ। ब्रह्मा ने हार्ट फेल होकर के अचानक शरीर छोड़ा, अकाले मौत हुई, तो उसको फॉलो करने वालों का भी क्या असर हो रहा है? अचानक शरीर छोड़ रहे, अकाले मौत हो रही है, सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे। तो जो सूक्ष्म शरीर धारण किया उसमें तो सूक्ष्म देह अभिमान रह गया, अपना शरीर भी नहीं है जिसे हम पुरुषार्थ कर सके। तो बाप कहते हैं कोई को याद नहीं करना है, एक को याद करना है और एक से ही सदगति होनी है। जिस एक से सदगति होनी है वो है गीता का भगवान। ब्रह्मा के स्वरूप में निराकार शिव आता है ठीक है, रुद्रमाला के मणकों में भी आता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि रुद्राक्ष के जो भी मणके हैं
उनमें मुख बने हुए हैं, कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में चौदह मुख। वो मुख है, मुख लेने की यादगार है। उन मुखों में एक मुख है सुप्रीम सोल का भी है, जरूर सुप्रीम सोल ने कभी प्रवेश किया है, लेकिन कब प्रवेश किया ये कोई कह नहीं सकता। मुकर्रर रथ भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, उसको कहने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। भगवान कभी अपने को नहीं कहता है मैं भगवान हूं। जो अपन को भगवान कहते हैं, मुरली में उनको क्या टाइटल दिया है, हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माना पीने वाला। सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं जो है इस दुनिया में, उनके तेज को पीने वाला, उन आत्माओं में जितनी भी प्योरिटी की पावर है, उन प्योरिटी की पावर को वो भरी हुई थाली को सफा चट कर जाते हैं। कौन? हिरण्यकश्यप। वो साधु सन्यासियों को बोला है हिरण्यकश्यप, ऐसा हिरण्यकश्यप बनने की जरूरत नहीं है। जितने भी धर्म पिता हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म के पिता हो, चाहे वो बौद्ध धर्म के पिता हो, चाहे सिख धर्म के पिता हो, वो सब देहधारी धर्म गुरु है। ब्रह्मा कुमारियों का पिता कौन है? ब्रह्मा कुमारियां किसको पिता मानती हैं? ब्रह्मा को पिता मानती हैं। तो वो निराकारी हुआ या साकारी हुआ? वो भी आकारी है, साकारी था। साकारी के चित्र निकाले गए, आकारी का आवाहन करते हैं, लेकिन दोनों बातों से कल्याण नहीं हो सकता। बाप कहते हैं आप सिर्फ मुझे एक को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप बच होंगे। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाते रहना, क्योंकि तुम बच्चों को अब चांस मिला है क्या ये समझाने का कि निराकार क्या है और साकार क्या है। ब्रह्मा कितने भी चित्र निकले हैं, जितने भी फोटो निकले हैं, उनमें एक में भी निराकारी स्टेज नहीं दिखाई पड़ती। जैसे धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज है, महात्मा बुद्ध की, क्राइस्ट की, गुरु नानक की, वो चेहरे को देखने से ही पता चलता है कि जैसे आत्मा इस साकार सृष्टि में मौजूद नहीं है, निराकारी सृष्टि की आत्मा है। वो निराकारी स्टेज ब्रह्मा की नहीं दिखाई देती। अभी वो ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर से दादी गुलजार में प्रवेश कर रही है, सूक्ष्म देवान रह गया, रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर रही है, रुद्रमाला के मणकों में नंबरवार प्रवेश होता है, भले जगदम्बा में भी प्रवेश होता है, क्योंकि तीसरा नेत्र जगदम्बा को भी दिखाते हैं, लेकिन कब प्रवेश होता है ये नहीं कहा जा सकता। महाकाली को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, लेकिन कब वो महाकाली का रूप धारण करती है, महाकाली का रूप धारण किया है या करेगी या कर रही है, ये कुछ भी पता नहीं। तो मुकर्रर रथ हुआ या टेम्परेरी रथ हुआ क्या कहेंगे? ब्रह्मा में कौन सा रथ था? टेम्परेरी रथ। जब ब्रह्मा में ही टेम्परेरी रथ है तो जगदम्बा में भी क्या कहा जाएगा? टेम्परेरी रथ है। मुकर्रर रथ तो एक ही है। उस मुकर्रर रथ के बारे में भी मुकर्रर रथ स्वयं नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है। अगर कहता है तो हिरण्यकश्यप है। क्या ऐसी आत्मा है जो सच्ची सच्ची सोने जैसा पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, भोली भाली आत्माएं हैं, उन भोली भाली आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पीने वाला है, हाथ पकड़ जाने वाला है, तो सत्यानाशी हुआ या कल्याणकारी हुआ? फिर तो सत्यानाशी हो जाए। बाप कहते हैं मैं तो विश्व कल्याणकारी बन करके आता हूं, जिस तन में आता हूं उसको भी टाइटल मिल जाता है, कौन सा? हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ देंगे। विश्वनाथ का टाइटल ही नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल में भी सारे विश्व का नाथ बन करके रहता है। तो अभी ये बात बताई कि प्रदर्शनी में समझाना है और दूसरों को भी सिखाना है कि गीता का भगवान कौन है, लिखाना चाहिए, समझाएकर उनसे लिखाए लेना चाहिए। आदमी को देख करके उसे लिखाए लेना चाहिए। बड़ा आदमी है, कोई बड़ा ब्रह्मा कुमार है तो उसे लिखाए लेना चाहिए, उसका ऑक्यूपेशन भी देखना चाहिए। सर्वसेबुल है या ऐसे ही है। प्रदर्शनी में हर एक की नब्ज देखी जाती है, नब्ज देखने से पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा ही नहीं सकेंगे, क्या चित्र होता है ना, एक चित्र होता है फिक्स और एक चित्र होता है चलता फिरता। जो चल चित्र होता है उसमें समझाया जा सकता है जास्ती। तो बोला प्रोजेक्टर में कोई को इतना नहीं समझा सकेंगे, सनमुख समझाने में बड़ा मजा आएगा। प्रदर्शनी बहुत अच्छी चीज है। कौन सी प्रदर्शनी? जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं, जो भक्ति मार्ग में दिखाते चले आए। हमारी है चैतन्य प्रदर्शनी, उस चैतन्य प्रदर्शनी से भी सीख सकते हैं। बाप खुद कहते हैं तुम आसुरी संप्रदाय हो, क्यों? क्योंकि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बैठे बनाए। बाप ने जो चित्र बनवाए उन चित्रों को गुम कर दिया, और जो माया की मत पर चित्र बनाए गए उन चित्रों को संसार के सामने प्रत्यक्ष कर दिया। तो आसुरी संप्रदाय हुए या देवी संप्रदाय हुए, अब देखो ये बच्चे पावन बन रहे हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ाई पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा क्या? डायरेक्ट रेगुलर जो पढ़ाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं बताई, उसके लिए तो बता दिया टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए। जिनके पास पैसे हैं वो टैप रिकॉर्डर वीसीडी वगैरह खरीदे और दूसरों को भी दिखाए। वो गुड सेकंड क्लास माल है, थर्ड क्लास माल है मुरली पढ़ना और दूसरों को सुनाना। वो थर्ड क्लास माल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में रेल में भी थर्ड क्लास खत्म कर दिया। ये भी संकल्पों की ट्रेन है, जो संकल्पों की ट्रेन चलानी है तो मुरली पढ़ के दूसरों को सुनाना अथवा खुद पढ़ना वो थर्ड क्लास माल नहीं लेना। जो है क्या करेंगे? क्या जो है वो थर्ड क्लास हो गया, उसको लेंगे क्यों? जो थर्ड क्लास होंगे वो थर्ड क्लास लेंगे, जो सेकंड क्लास होंगे वो सेकंड क्लास लेंगे, जो गुड सेकंड क्लास होंगे वो गुड सेकंड क्लास लेंगे। उसके लिए तो थर्ड क्लास भी दिखाना ही पड़ता है। किसको दिखाना पड़ता है? प्रूफ के लिए, सर्विस ग्रुप सर्विस में प्रूफ के लिए, प्रूफ के लिए, प्रूफ के लिए वीसीडी है, डीवीडी है। वीसीडी में आपका बाबा बोले थे अभी तो डीवीडी निकल पड़ा है, एकदम क्लियर आता है। तो बोला रेगुलर पढ़ाई पढ़ने से ही नशा चढ़ेगा क्या? जो सातवें दिन पढ़ाई पढ़ लेते हैं संगठन क्लास में जाकर के, या महीने में एक बार संगठन क्लास कर लेते हैं, उनको वो निराकारी स्टेज का नारायणी नशा चढ़ने वाला नहीं है। पहले एक को चढ़ता है, फिर एक के बाद अनेक को चढ़ता है। दीपावली में जब दीपक जलाए जाते हैं तो पहले एक जमराज का दीपक जलाया जाता है, बड़ा दीपक, फिर बड़े दीपक से छोटे छोटे सारे दीपक जल जाते हैं। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, एक का ही काम है, तो दूसरों को डाउन करने वाली बात हो गई। रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है, बांधे ली हो तो भी घर बैठे बाप को याद करती रहो, रोज मुरली सुनती रहो। टैप रिकॉर्डर तो है ना, भाषा नहीं समझ में आए चलेगा, भाषा नहीं समझ में आती है, जो हिंदी जानने वाले हैं वो उनसे उनको टीचर बना के बैठा लो तो विकर विनाश हो जाएंगे। घर में बैठे याद करना ये भी अच्छी बात है।
इसके लिए बांधेली माताओं के लिए। परंतु बाप को याद करना भी बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। जो नॉन सर्विसेबल है, सर्विस में नहीं रहते हैं, बाप से किस जन्म का बर्तन मिलता है? क्या ब्रह्मा से उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कितने जन्म का बर्तन मिलेगा? है ज्यादा से ज्यादा 20 जन्म का बर्तन मिलेगा। माना कुमार का दादी या विश्व किशोर भाऊ जो शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार लेते रहे, जिम्मेवारी उठाते रहे, अभी भी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, वो उनके सतीत में जाके बच्चे बनेंगे तो कितने जन्म लेंगे? 20 जन्म लेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा उनको नहीं मिलता है। वो 20 जन्म लेने वाले द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड नारायण के बच्चे हैं। सेकंड नारायण उसमें सेकंड धर्म पिता प्रवेश करेगा। नंबर दो का नारायण उसमें नंबर दो का धर्म पिता प्रवेश करता है। नंबर वन है शिव बाबा, ऊंचे ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला, वो ऊंचे ऊंच नारायण में प्रवेश करता है। जो डायरेक्ट नरसिंह नारायण इसी जन्म में बनता है। तो 21 जन्म का वर्षा सिर्फ बाप से मिल सकता है। जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी बच्चे भी बहुत अच्छा भाषण कर लेते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। ना सवेरे उठ सकते हैं, भाषण पब्लिक में बहुत अच्छा करेंगे, लोग समझेंगे ये तो बहुत ज्ञानी तू आत्मा है। आगे बरगल आगे में उठते हैं, सवेरे उठते भी हैं तो बैठने से उनको झुटका आने लगता है, प्यार ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, बिंदु को याद करते रहते हैं। अब बिंदु तो बाप नहीं है, बाप का तो नाम रूप देश काल सब कुछ है, और बाप तो इस आकार सृष्टि पर आया हुआ है, पतितों को पावन बना करके ले जाएगा, बीच में तो वापस नहीं जाएगा। याद करने का टाइम तो अमृत वेला ही अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ करके आठ बजे लग जाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग वालों की तो उतरती कला है, और तुम्हारी तो चढ़ती कला है। यहां तो चढ़ने ही चढ़ने की बात है, उतरने की तो बात ही नहीं। यहां माना कहा बाप के सन्मुख चढ़ने ही चढ़ने की बात है, और जो बाप से विमुख हो जाती है आत्मा तो माया पकड़ती है, माया कितने बिगड़ डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी, विकल्प विनाश कैसे होंगे? बाकी सिर्फ मुरली चलाना वो तो छोटी बच्ची को भी सिखाए दो हिंदी पढ़ना, वो भी मुरली पढ़ करके दूसरों को सुनाई देगी। छोटी बच्ची भी मुरली की बातें समझ करके दूसरों को समझा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पढ़ाई तो बड़ों के लिए है। कौन सी पढ़ाई? ये पढ़ाई अभी जो पढ़ाई पढ़ा एडवांस पढ़ाई, बेसिक नॉलेज में जो मुरली पढ़ करके सुनाते हैं समझाते हैं वो तो छोटा बच्चा भी समझा सकता है, लेकिन एडवांस नॉलेज की जो पढ़ाई है वो ही समझा सकता है जो खुद मनन चिंतन करे और दूसरों को मनन चिंतन मंथन करना सिखाए, क्योंकि ये बड़ों के लिए पढ़ाई है, समझदार लोगों के लिए पढ़ाई है। तो देखो ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है? ये बच्चों को नशा नहीं करता है बाबा, अब बीच में रुकाएंगे तो ही रुक जाएगा। पढ़ाने वाला कौन है? यही बात भूल जाते, माया किसको धोखा देती है? हम अपने को ना देख दूसरों को देखने लग पड़ते हैं। हमको सर्विस में बच्चों को देखना चाहिए और अपनी सर्विस में हम लगे रहे। बाप के पास सब प्रकार के समाचार आते रहते हैं, ये भी होता है,
औरों की निंदा करने में सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना, दूसरों की न निंदा करना है और न निंदा कानों से सुनना। कोई बात है, इशारा बाप को दे दिया, पर चिंतन क्यों करना चाहिए? पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? अक्षर ऐसे ऐसे लिखते हैं जो कोई नालायक बच्चा भी नहीं लगे। पर चिंतन जब करते हैं तो दूसरों के लिए निंदा ऐसी लिख ली करके बाप के पास भेजते हैं जो कोई नालायक भी ऐसी निंदा न लिखे। अज्ञान काल सपूत बच्चे भी ऐसे नहीं लिखते होंगे। जितने ज्ञान काल में रहने वाले ज्ञानी बच्चे अपन को कहलाने वाले वो लिख लिख करके भेजते। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे लिखते हैं जो बात मत पूछो, क्योंकि सर्विस में पूरा ध्यान नहीं देते हैं। इस सर्विस में बुद्धि लगी रहती है। सर्विस में तो बच्चों को रात दिन लगा रहना चाहिए। क्या रात में सोते रहे, सपने भी सर्विस के आवे, बाप की याद के सपने आवे, दूसरों की निंदा करने के सपने भी नहीं आने चाहिए। तुम्हारा धंधा ही है क्या? सेवा करना और दूसरों को सेवा लायक बनाना। रोज प्रदर्शनी पर बैठ करके एक दूसरे को समझाते रहो। कौन सी प्रदर्शनी? ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता है। क्या रोज प्रदर्शनी लगती है तुम्हारी? ये क्या, ये तुम्हारी प्रदर्शनी रोज लगती है? चैतन्य है या जड़ चित्र की प्रदर्शनी है? बहुत से लोग बच्चे ऐसे हैं जो जड़ चित्र मांगते रहते हैं। बाबा का फोटो निकाले, बाबा कहते हैं बुद्धू बच्चे हैं। जब साकार में चैतन्य में मौजूद है तो फोटो क्यों निकालते हो? कोई मुर्दा हो जाता है तो उसका फोटो निकाला जाता है कि यादगार रख ले। यहाँ तो जीता जागता बैठा हुआ है। तो प्रदर्शनी पर बच्चों एक दूसरे को समझाते रहे, ये शिव बाबा है, ये प्रजापिता है। क्या मतलब हुआ है? कैसे समझाएंगे प्रदर्शनी पर? प्रजापिता है। जब साकारी स्टेज होती है तो प्रजापिता है, और जब निराकारी स्टेज होती है तो शिव बाबा। लेकिन हम साथ में शिव बाबा की बातें करते हैं। नहीं, समझाने के लिए अपने अंदर से तो समझना है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए बताना है कि अभी ये साकारी स्टेज है, ये प्रजापिता ब्रह्म है, अब ये निराकारी स्टेज है, देखो देखने में आ रही है। कोई भी समय, कोई जरूरी नहीं है। तो प्रदर्शनी पर बच्चों को समझाते रहना है, एक दो को बैठ करके प्रदर्शनी पर रोज समझाओ, ये शिव बाबा है और ये प्रजापिता है, प्रजापिता ब्रह्म है। क्या प्रजापिता भी हो सकता है और ब्रह्मा बाबा भी हो सकता है? कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। क्या, कहाँ गाया हुआ है? हैं, कहाँ गाया हुआ है? शास्त्रों में क्या गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में? अरे उसका चित्र कैसा दिखाया है शास्त्रों में? अरे प्रजापिता का चित्र दिखाया है, प्रजापति है? बकरे का, मैं मानव बकरा हुआ। अगर देवान में आता है, देवान में आकर के बोलता है कि मैंने ये किया, तो वो प्रजापिता का काम है। तो हर समय निराकार कितने रहते हैं? हर समय कितने का, हर समय दिखाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तो बता रहे हैं प्रदर्शनी में समझाओ, ये प्रजापिता है। जिस समय प्रजापिता है उस समय समझाओ ये प्रजापिता है। समझने लगे वो बस, ये बाप है, निराकार बाप है। अभी कौन है? शिव बाबा है। बोला कल पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, शास्त्रों में गाया हुआ है। तो कहाँ का गायन है? बकरे की दाढ़ी लगाई दी, बकरे की दाढ़ी वाला प्रजापति को दिखाते हैं शास्त्रों में। पहले नहीं थी बकरे की दाढ़ी। क्या शास्त्रों में दिखाया है, पहले बकरा का मुख नहीं था, बाद में वो मुख काट दिया
और उसको बकरे की दाढ़ी लगा दी। हाथों में वही रह जाते हैं। प्रभु का पाए काहे मदनाही, क्या जिसको प्रभुता मिल जाती है उसको मेरा अहंकार करता है, मैं का अहंकार करता है। काहे मदनाही माने कोई ऐसा दुनिया में नहीं है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसको प्रभुता मिल जाए और फिर को उसको अहंकार न कर। तो भगवान मिला कहे तो वो शुद्ध अहंकार हो सकता है? भगवान हमेशा रहेगा क्या? जब विश्व की बादशाही मिल जाती है तो भगवान हमेशा रहेगा क्या? तब तो पांच विकार होगा ही, नीचे गिरेगा फिर। यहाँ नीचे गिरना भी होता है और यहाँ ऊपर चढ़ना भी होता है। यहाँ तो अनेक बच्चों का संग तरंग लगता है, किसको? प्रजापिता को। तो जब अनेक बच्चों का संग तरंग लगता है तो अवस्था कैसी होगी? नीचे जाती है। और जब ऊपर वाले का संग तरंग लगता है तो अवस्था ऊंची जाती है, चाहे वो राम की आत्मा हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, चाहे जो समय हो, चाहे संगम युग का समय हो, चाहे वो द्वापर कलयुग का समय हो, अवस्था नीचे जाती है। शत्रु में भी अवस्था नीचे जाती है। कभी ऐसा होता है कि गिरने की गति इतनी धीमी होती है जो पता नहीं चलता है। जैसे इस्लाम धर्म वाली आत्मा इब्राहिम जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करती है वो व्यक्ति द्वापर युग के शुरुआत से ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो उसकी गति तीव्र है काम विकार भोगने की, इसलिए वो जागते ही नीचे गिरता है, द्वापर युग के शुरुआत से ही नीचे गिर गया। राम वाली आत्मा इतनी धीमी गति है कि आखिरी जन्मों में जाकर के नीचे गिरती है। राम हुए, कृष्ण हुए, ये आखिरी जन्म में इनको टाइटल मिलता है। क्या राम ही रावण बनता है और राम ही कृष्ण बनता है? वो कृष्ण ही कंस बनता है। क्या आखिरी जन्म में जाकर के उनको ये टाइटल मिल जाता है? आने का पहले, अरे शूटिंग में होगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी होगा, ब्रॉड ड्रामा में होगा तो शूटिंग में भी होगा। ये जो बकरे की दाढ़ी दिखाई गई है वो शास्त्रों में संगम युग की यादगार है या कलयुग की यादगार है? कलयुग की यादगार, संगम युग की यादगार। तो बोला प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, मनुष्य अच्छा कर्म करे तो देवता बन जाते हैं और मनुष्य भ्रष्ट कर्म करे तो राक्षस बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि जब मनुष्य सृष्टि रची उससे पहले मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य तो इस सृष्टि पर थे लेकिन कोई देवता बन गए और कोई राक्षस के राक्षसी रह गए। तो मनुष्य सृष्टि रचते हैं अर्थात मनुष्य जो बंदर मिसल है उनको मंदिर लायक बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य बंदर से भी बदतर कहे जाते हैं। बंदर कितना विकारी होता है, विकार भोगेगा तो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाएगा, कोई महल या कोई बड़ा किला बना हुआ होगा तो सबसे ऊपर जाकर के बैठेगा, वहां बैठ करके विकार भोगेगा। उसको कोई शर्म लिहाज नहीं होती है, जिसके लिए कहते हैं शास्त्रों में काम अंध है। जो काम विकार में अंधा हो जाता है वो ये नहीं देखता है कि समाज क्या कहेगा, इसका असर क्या होगा समाज के ऊपर। तो पतित मनुष्य बंदर से भी बदतर कहे जाते हैं। सूरत मनुष्य की है और सीरत बंदर की है। ऐसे बंदरों को बाप ही दैवी पावन बनाते हैं अर्थात कांटों को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। मनुष्य ब्राह्मण कहे जाते हैं माने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा देकर क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? प्रजापिता। अरे देवता देवता के द्वारा बनाया जाता है, नारायण के द्वारा, डॉक्टर डॉक्टर के द्वारा बनाया जाता है, वकील वकील के द्वारा बनाया जाता है। तो देवता किसके द्वारा बनाया जाएगा? देव देव महादेव, महादेव होगा तो देवता बनाएगा। ओम शांति।